ये बात बहुत ही कही सुनी है, तो हो सकता है शत प्रतिशत सच ना हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले जब अभी सड़कें कच्ची हुआ करती थी और रोमन लोग अपना रथ लेके चलते थे, तो उनके पहिए से सड़क पे निशान बन जाते थे, एक नाली सी बन जाती थी। अब जब बग्घियों का प्रचलन हुआ तो बग्घी बनाने वालों ने उनकी चौड़ाई इसी तरह रखी कि जो बग्घी के पहिए हैं, जो रथ की बनी हुई नालियां हैं, उन्हीं के अंदर चले, ताकि बग्घी फंस के इधर उधर गिर ना जाए। तो पहियों के बीच फासला था लगभग 4 फुट 8.5 इंच का। अब जब रेल का आविष्कार हुआ और रेल के कोच का निर्माण करना था, तो इन्हीं बग्घी वालों को ठेका दिया गया। तो उन्होंने जो रेल के डब्बे हैं, उनमें भी जो पहियों का फासला है रखा 4 फुट 8.5 इंच, और इसी अनुसार रेल की पटरी बनी। अब जब अमेरिका को रेल की आवश्यकता थी, तो इंजीनियर यूरोप से बुलाए गए और उन्होंने रेल की पटरी की चौड़ाई वही रखी 4 फुट 8.5 इंच, और उसी के अनुसार रेल का निर्माण हुआ। इस कहानी को थोड़ी देर यहीं पे रोकते हैं और एक दूसरी कहानी शुरू करते हैं। नासा की स्पेस शटल, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाती है, उसके सीधे और उल्टे हाथ पे एक एक फ्यूल सिलेंडर रहता है। अब ये फ्यूल सिलेंडर बनते हैं यूटा में, और स्पेस शटल का लॉन्च होता था फ्लोरिडा से। ये फ्यूल सिलेंडर इतने भारी होते हैं कि ना तो इन्हें हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, ना ही किसी ट्रक से। इनको ले जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो समुद्र या रेल। अब यूटा के आसपास कहीं कोई समुद्र है नहीं, तो जो एकमात्र रास्ता बचता था वो था रेल। अब यूटा और फ्लोरिडा के बीच में एक सुरंग आती है, तो जो फ्यूल सिलेंडर है वो सुरंग की चौड़ाई से ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता था, और फ्यूल सिलेंडर की चौड़ाई निर्धारित करती है कि उसमें कितना ईंधन आएगा, और इसीलिए स्पेस शटल कभी भी चांद तक नहीं पहुंच सकती थी। तो नासा के एक साइंटिस्ट को ये बात बहुत चुभी कि भाई स्पेस शटल चांद तक इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि सुरंग ज्यादा चौड़ी नहीं है। आखिर सुरंग ज्यादा चौड़ी क्यों नहीं है? तो उसने देखा भाई सुरंग चौड़ी है रेल के डब्बे के अनुसार, डब्बे बने हैं पटरी की चौड़ाई के अनुसार, पटरी की चौड़ाई आई बग्घी की चौड़ाई के अनुसार, बग्घी की चौड़ाई थी रथ के पहियों के निशान थे उनके अनुसार। तो अब बात आती है कि रथ के पहियों की चौड़ाई आखिर किस पर आधारित थी? तो रथ में लगते थे 2 घोड़े, और अगर 2 घोड़ों को आप साथ में खड़ा कर दे, तो जो उनके पीछे की चौड़ाई है वो निकलती है 4 फुट 8.5 इंच। इसी तरह जीवन में भी हम बहुत से फैसले उन फैसलों पर आधारित लेते हैं जो पहले से लिए जा चुके हैं। मसलन हम कौन से गांव में या शहर में रह रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि हमारा परिवार कहाँ रहता आया है। हम कौन सा करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि घर में ज्यादा डॉक्टर हैं, इंजीनियर, वकील या CA। और हो सकता है ये फैसले आपके लिए काम कर भी जाएं, पर अगर आपको लगता है कि इन फैसलों की वजह से आपका जीवन भी नासा की स्पेस शटल की तरह एक पॉइंट पे जाके अटक गया है, तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो आज तक आपके परिवार में किसी ने लिए नहीं है।